यूपी के बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ NH 28 पर बीते 29 अगस्त की रात को एक महिला के साथ एम्बुलेंस में छेड़छाड़ और एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा उसके पति को ऑक्सीजन हटाकर उसे बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद उनके पति की मौत हो गई। ये महिला सिद्धार्थ नगर जिले के बांसी कोतवाली क्षेत्र के गोनहाताल की रहने वाली थी। इस घटना के बाद पीड़िता महिला ने एम्बुलेंस चालक के खिलाफ लखनऊ के थाना गाजीपुर में मामला दर्ज कराया। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि एम्बुलेंस कर्मियों ने उसके पति की ऑक्सीजन हटाकर उसे बाहर फेंक दिया, जिसके बाद उसने डायल 112 पर सूचना दी। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और महिला के पति को CHC हर्रिया में भर्ती कराया गया, जहां से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां पर इलाज के दौरान पीड़िता के पति की मौत हो गई। उनके पहले बस्ती लेके गई थी, उनके लीवर किडनी में दिक्कत हो गई, लीवर काम नहीं करत रहा। बस्ती में इलाज कराई ली एक दिन, फिर उनसे बोला कहन के लैके गो वहाँ लखनऊ जा मेडिकल। तब मेडिकल में लैके नहीं गई थी तो वहाँ बेड नहीं खाली रहा, फिर वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके भर्ती कराई ली। एम्पीरिया हॉस्पिटल फिर वहाँ भर्ती करा ली। एक दो दिन इलाज भइल, फिर पैसा के दिक्कत हो लागल, एक 1.5 लाख रुपया लग चुका, तो कुछ फायदा नहीं भइल। तो बोले कि हमें ऐसे छुट्टी दे, हम घरे लेके जाब। तो कहा तो एक लेडीस रही, हाँ काउंटर पर, तो नंबर दिल इसके हमें एम्बुलेंस चाहिए। तो वो बोले से नंबर ले ला, बात कैला। तो नंबर ले ला, भाई हमार बात कैला, एम्बुलेंस आयल लेके। फिर मरीज के हम सबके साथ में बैठौलस, फिर पेट्रोल पंप पर तेल भरावलस, फिर पेट्रोल पंप से आगे से कुछ दूर कदम जाए के हमें बोला कि आगे बैठा, नहीं पुलिस पकड़ ली लखनऊ। लखनऊ निबुक जाए, फिर भाई हमारे रहना है, पति रहना है, हम रह ली। हाँ फिर हमें आगे पेट्रोल पंप से कुछ कदम आगे बैठा लहलस हमें आगे। फिर बोला था कि लखनऊ निबुक जाए अब्बे, तो अब्बे तुम्हें हम फिर पीछे बैठा देब। तो हम कहीं ठीक बा। तब फिर कुछ दूरी तक जाए के अपन बातचीत यार वहार घुमावत फिरावत रहा ऐसे। फिर कहा ठीक बा बाबू, फिर कहा था कि इनके इलाज करा ला और 10-20 हज़ार हो तो लगे चला कहूँ भर्ती करा दी। कहाली बाबू ना आई हमरे लगे पैसा बा, कुछ चुनी नहीं बा, आ जो खेत खरियान थोड़ देर रहा वह को लिए हम हटा दिली, इलाज बहुत करौली ना ठीक बहुत आटे। तो कहा था कि ठीक बा। तब अपन ऐसे कैलिस, फिर कुछ दूरी तक जाए के हमें छेड़खानी करे लागल, छेड़खानी करे लागल। बोला था उन तो बची हैं ना अब, और तू का अब सीता सावित्री बन के का करबू अब। हम कहली बाबू हमें ऐसा कुछ ना बोला, फिर हमें छेड़खानी करे लगा। फिर छेड़खानी करत करत फिर बोला था कि फैजाबाद अभी आएगा, अब फैजाबाद निबुक जाए तब तुम्हें फिर हम आगे बैठा देव। तब बहुत ज़्यादा दिक्कत करे लागल। तब हम आगे हाँ आगे बैठल लाली। तब कहा था फिर कि अच्छा रुका थोड़े 2 मिनट के लिए मुँह चुप रखा, अब कुछ सही हो जाए। तब हम और चिल्लाए लगली बाबू हमारे भैया बैठा रहना है, काली बाबू भैया बचावा हमें, बचावा ऐसे निकारा हमें। पीड़िता ने बताया कि जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तब करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बस्ती पहुंचने से कुछ दूर पहले एम्बुलेंस वालों ने उसके पति को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया, जिससे उनके बीमार पति को चोट आई और ऑक्सीजन निकालने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। आनन फानन में अस्पताल लेकर गए, जहाँ उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर बस्ती SP गोपाल चौधरी का भी बयान सामने आया है। पुलिस ने बताया कि निजी एम्बुलेंस चालकों द्वारा महिला के साथ अभद्रता की गई। समाचार पत्र में प्रकाशित एक निजी एम्बुलेंस के चालक द्वारा महिला से अभद्रता के आरोप के बारे में बताना है कि 29 अगस्त को अनूप साहनी अपनी बहन और जीजाजी के साथ लखनऊ से सिद्धार्थनगर के लिए एक निजी एम्बुलेंस में निकले थे। इनके जीजाजी का वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। ये जब जनपद बस्ती में थाना छावनी में पहुंचे तो कुछ इनका विवाद हुआ, तो एम्बुलेंस वालों ने इनको उतार दिया। इन्होंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, वहां से इनको CHC 100 हरैया में 112 108 के द्वारा ले जाया गया।
मौके पर इन्होंने ऐसी कोई घटना के बारे में नहीं बताया, ना ही कॉल रिकॉर्ड 112 के कॉल रिकॉर्ड में ऐसी कोई घटना के बारे में इनके द्वारा बताया गया, ना ही डॉक्टर को ऐसी कोई घटना के बारे में बताया गया। वहाँ से इनके जीजाजी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बस्ती रेफर किया गया, वहाँ से ये गोरखपुर गए। गोरखपुर में अगले दिन इनकी जीजाजी की डेथ हो गई थी। इनके द्वारा लगाए गए अन्य आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और एम्बुलेंस चालक पर मामला दर्ज कर लिया गया है।